चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट डोज के यूट्यूब चैनल पे। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने एक पार्ट जो था हमारी हिस्ट्री का, वो हमने कवर कर लिया था। आज हमारे दूसरे पार्ट से हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अब हालांकि हमने ये देख लिया कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में आ चुके थे, अब इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की थी वो हमने देख लिया था। अब इन पॉलिसीज की वजह से क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा या फिर उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए, इस चीज के बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहला इफेक्ट का नाम क्या दिया है? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। क्या बोला गया? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो रॉबर्ट क्लिव थे 1765 में, इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जहां पे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? आपके बंगाल में इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो कंपनी नवाब बंगाल के साथ मिलकर इन्होंने क्या एक चीज डिसाइड की कि भैया आपका जो रेवेन्यू, मतलब आप जो लगान लोगों से वसूलते हैं, वो जो काम है वो पूरा काम हमें दे दो, बाकी आप कंपनी के लॉ ऑर्डर ये सारी चीजें मेंटेन करने की सारी जो जवाबदारी रहेगी वो आपकी रहेगी। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, जहां पर क्या किया जा रहा है, जहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो दो लेवल पे काम करेगी। एक ऐसा गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो पर्टिकुलर एक काम पे फोकस कर, और एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलर दूसरे काम पे क्या फोकस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इलिफ मतलब जो खराब इफेक्ट क्या थे ड्यूअल गवर्नमेंट के, ये देखने को हमें थोड़ी देर बाद देखने मिल गया। अब जो टैक्सेस थे वो टैक्सेस क्या मनी के फॉर्म में कलेक्ट किए जा रहे थे। अब कई सारे जो टैक्सेस के पैसे थे वो जो ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स के पॉकेट में जा रहे थे, ना कि नवाब ऑफ बंगाल के पास जा रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे जैसे जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, रूलर से मिल रही थी, तो इनका एक जो बोलते हैं एक मोनोपोली इंडिया में क्या बढ़ता जा रहा था, जहां पे ये अकेली ट्रेडिंग कंपनी बन गई थी जो इंडिया में क्या ट्रेड करती है। अब ये देखते देखते कहीं ना कहीं जो बाकी ब्रिटिश कंपनी के, मतलब बाकी जो ब्रिटिश ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी, वो कहीं ना कहीं वो चाह रही थी कि वो ब्रिटिश को हटाए और ब्रिटिश को हटा के वो अपना क्या करे, अपनी जो हुकूमत है या फिर अपना जो एक्टिविटी वो परफॉर्म वहां पे करना चाहती थी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो सिस्टम था कंपनी का, उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत सारा ब्लेम मिला कहाँ पे, इंग्लैंड में, और साथ ही साथ इंग्लैंड में देखने मिला। और इसी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ लॉज क्या किए, इम्पोज किए, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन क्या यहाँ पे डाले जा सके, क्लियर है। अब यहां पे हम बात करते हैं एक्ट। अब हमने देखा कि एक मोनोपोली क्रिएट हो रही थी आपके इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसके वजह से कोई और कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी क्या कर पा रही नहीं कर पा रही थी, ट्रेड नहीं कर पा रही थी इंडिया में। अब इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं यह जो चीज थी ये ब्रिटिश को भी क्या लगी, थोड़ी सी खराब लगी, और इसलिए जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश के पार्लियामेंट में क्या एक्ट पास किया गया। कौन से एक्ट पास किए गए? देखो, सबसे पहली चीज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया, जहां पे जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या बोला गया, द गवर्नर जनरल बोला गया। क्या बोला गया? गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। अभी साफ के हिसाब से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स क्या बन गया, बंगाल के गवर्नर जनरल, क्या सॉरी इंडिया के क्या बन गए, गवर्नर जनरल क्या बन गए। अब उनके पास पूरे अधिकार आ गए, उनके पास पूरी राइट आ गई कि जो मुंबई और मद्रास प्रोविंस है उसका क्या कर सकते, उसकी सारी जो पॉलिसीज है उसको कंट्रोल कर सकते। और मुंबई और मद्रास प्रोविंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश रूल किया करते थे, हम सभी से जानते हैं कि इंडिया एक छोटा मोटा देश तो था नहीं, बहुत बड़ा देश था, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने एक डिविजन ऑफ वर्क का क्या क्या पॉलिसी अपनाया गया, जहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी कंट्री को टोटल 11 प्रोविंसेस में क्या डिवाइड कर दिया। कितने प्रोविंसेस में? 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दे, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हैं उनको दिया गया कि वो दो प्रोविंस यानी मुंबई प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, उन सभी को क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल क्या कर सकते हैं। अब बाकी के प्रोविंस कौन से थे, बिहार प्रोविंस था आपका, ओडिशा प्रोविंस था, तो ऐसे करके अलग अलग प्रोविंस है। अब आगे चलकर ये जो प्रोविंस है अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, जैसे हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे उस कमेटी में, क्लियर हो गया। अब 1784 में पिट इंडिया एक्ट पास किया गया। अब ये एक्ट क्या था, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन 1813 और 1833 में नए लॉस पास किए गए। अब यहां पे क्या बोला गया, अब इंडिया पिट एक्ट के तहत, पिट इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, इस एक्ट ने एक पावर दी कि हम क्या करें, एक परमानेंट बोर्ड, एक परमानेंट कमेटी हम क्या करें, इस्टेब्लिश करें, जो क्या कर सके, जो बेटर रेगुलेशन और मैनेजमेंट कर सके, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, जो चीजें वो परफॉर्म कर रही थी उसके ऊपर, क्लियर हो गया। अब 1833 में और 1853 में नए लॉस पास किए गए किसके द्वारा,
पार्लियामेंट के द्वारा, और कुछ चेंजेस लाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस हिसाब से पहले काम कर रही थी, अब वो जो तरीका था काम करने का, उसमें थोड़े से क्या बदलाव क्या लाया गया। अब इस तरीके से अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ने, मैंने कहा कि जब स्टार्टिंग में आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी थी, आई थी, ब्रिटिश नहीं आए थे। अब इस तरीके से क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी क्या इन्वॉल्व होना चालू हो गई थी, ठीक है। लेकिन कैसे इन्वॉल्व हो रही थी, अभी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही थी क्या ना, इनडायरेक्ट कंट्रोल जो था उन्होंने करना क्या चालू कर दिया था, ठीक है। पहले किस पे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पे करना चालू किया था, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल करना क्या चालू कर दिया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब जैसे नए ब्रिटिश रूल आए तो अब यहां पे एक जरूरत आन पड़ी थी कि सिविल सर्विसेज भी आए, ठीक है, सिविल सर्विस ऑफिसर्स भी क्या किया जाए, अपॉइंट क्या किया जाए, मिलिट्री लाया जाए, जुडिशियल सिस्टम लाया जाए। अब इसी के बारे में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज सिविल सर्विसेज की बात करें, अब ब्रिटिश रूल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कौन चाहिए था, हमें ब्यूरोक्रेट चाहिए। अब सर ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या होते हैं, आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, आईपीएस के बारे में सुना होगा, आईएफएस के बारे में सुना होगा, आईआरएस के बारे में होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये डायरेक्ट, ये इनको जो पब्लिक होती है, जो जनरल पब्लिक होती है, जो आम जनता होती है, उनको उन्हें इलेक्ट करती नहीं है। ये बेसिकली कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन को पास करने के बाद क्या किया जाता है, इनको इनका जो पोस्ट होता है वो क्या दिया जाता है, उन्हें हम क्या ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के लिए ही काम करती है, ठीक है। अब ये ब्यूरोक्रेट्स क्या होती है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अब इसमें अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक पर्टिकुलर मोटिव रहता है और एक पर्टिकुलर चीज के लिए काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आईआरएस की, आईआरएस क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गई, तो ये क्या, ये जो डिपार्टमेंट होती है, ये जो सर्विस होती है, सर्विस किस पे काम करती है, इंडिया के रेवेन्यू पे काम करती है। जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया, फिर बाकी सारी चीज हो गई, इस सभी पे क्या काम करती है। आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है उस पे वर्क करती है। क्लियर हो गया, यह चीज है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड कर्नवलिस ने, अब इसी वजह से लॉर्ड कर्नवलिस ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी क्या इंट्रोड्यूस किया। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है मैंने अभी आपको समझा दिया। अब सिविल सर्विसेज क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, सही बात है, ही रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड। अब यहां पे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ला दी, ठीक है। अब इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो क्या करते थे, प्राइवेटली ट्रेड किया करते थे, मतलब बिजनेस किया करते थे, उन पर रोक लगा दी, उनको बोल दिया कि भैया आप क्या प्राइवेटली ट्रेड कर नहीं सकते हो। हाँ, अब इस चीज को रोक लगाने के लिए उन्होंने मना तो किया, साथ ही साथ क्या किया, जो ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी भी क्या कर दी, उनकी सैलरी भी बढ़ा दी, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को और भी अच्छा करने के लिए, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन टू डिस्ट्रिक्ट। अब लॉर्ड कर्नवलिस ने क्या किया, अब देखो एक इंसान पर्टिकुलरली सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा, सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा, नहीं, अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या किया जाता है, एक हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट में एक रूल है डिविजन ऑफ वर्क, जहां पे क्या किया जाता है, काम को बांट दिया जाता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो लॉर्ड कर्नवलिस थे, उन्होंने जितने भी ब्रिटिश एरियाज थे, ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जो इंडिया में ब्रिटिश ने क्या किया था, हड़पा था या फिर कब्जा किया था, उन सभी टेरिटरीज को क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा तो उस डिस्ट्रिक्ट का एक हेड बना है, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता था। जैसे हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री इंडिया है, अब इंडिया में अगर बात करूं बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट का एक हेड है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है चीफ मिनिस्टर्स, सॉरी चीफ मिनिस्टर्स, सीएम होते हैं। फिर सीएम के नीचे आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट में किसको हमारे हेड कौन होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, डीएम होते हैं, सही बात है। तो इसी इससे क्या होता है, इससे मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, अब उसके पूरी जवाबदारी थी कि वो क्या करे, रेवेन्यू कलेक्ट करे, लोगों को जस्टिस दे, साथ ही साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखे, ठीक है। अब ये सारे जो ऑफिसर्स थे ये कैसे अपॉइंट किए जाते थे, ये एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन था जिसका नाम क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज, के बारे में अब भी मैंने आपको थोड़ी देर बताया, पहले बताया। ये सभी जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे वो क्या, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दिया करते थे, एक टेस्ट दिया करते थे, उस टेस्ट के बाद ही इनका क्या होता था, सिलेक्शन होता था, वरना सिलेक्शन होता नहीं था। अब एक और चीज हम लोग कवर करते हैं, अब जो अब यहाँ पे तो मिलिट्री और पुलिस फोर्स, मिलिट्री और पुलिस फोर्स क्यों अपॉइंट किया, अब जो मिलिट्री थी, अब इनकी जिम्मेदारी क्या थी, इनकी जवाबदारी क्या थी, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि भैया जितनी भी ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उन सभी को क्या करना, उन सभी पे निगरानी रखनी है, ठीक है, उनको क्या करना, उनको बचा कर रखना, अगर एक रायट्स उठ रहा है या फिर अगर मैं बात करूँ एक आवाज उठ रही है क्या ब्रिटिशों के खिलाफ, तो उस आवाज को क्या दबाना है, कोई भी किसी भी तरह के दंगे फसाद ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। किसकी जवाबदारी थी, मिलिट्री और पुलिस फोर्स की क्या जवाबदारी थी, ताकि और
और जिससे क्या हो सके, लॉ और ऑर्डर क्या मेंटेन क्या हो सके। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। अब जब मैं जुडिशियल सिस्टम की बात करता हूँ तो जुडिशियल सिस्टम में हमें क्या देखने मिलता है, अब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया में नया जुडिशियल सिस्टम ला दिया, ठीक है, किसके बेसिस पे, आपका जो इंग्लैंड में जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता था उसके बेसिस पे ला दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट हुआ करते थे, एक सिविल कोर्ट हुआ करता था और एक क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था। क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट क्या होता है, मैं बता दूं, क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पे क्राइम्स जैसे मर्डर किया जाता है, जैसे चोरी की जाती है, ये सारी क्या होता है, ये सब क्रिमिनल क्राइम्स हो गए, ठीक है। अब सिविल क्राइम्स क्या हो गए, सिविल कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, जमीन है, जमीन हड़पी गई है, ठीक है, जमीन का क्या है मामला है, ठीक है, लोग एक आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये सभी जो मैटर्स होते हैं ये सिविल कोर्ट में क्या जाते हैं, समझ में आ गया, ताकि जो लोकल केसेस होते हैं वो लोकल केसेस क्या सॉल्व हो सके, इसलिए सिविल और क्रिमिनल कोर्ट क्या लगाया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे अगर आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब सिविल क्रिमिनल कोर्ट में कोई बोलते डिसीजन दिया गया, लेकिन एक पार्टी बोलती नहीं मेरे साथ गलत हुआ, तो अब उसको उसकी उसको जस्टिस के लिए क्या किया गया, अब एक लोअर कोर्ट से एक हाई कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्ट ने क्या किया मेरे साथ नाइंसाफी की, तो आप क्या कर सकते हो, आप आपका जो मैटर है हाई कोर्ट पहुंचा सकते हो। अब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया फिर वो आपको मानना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट में भी आपको नहीं जम रहा है तो उसके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा है, लेकिन चीजें मैं समझा देता हूं, चलो एक काम करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप और मैं हूं, ठीक है, अब हम दोनों का क्या हो गया, झगड़ा हो गया किसी रीजन की वजह से, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, हम आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोकल कोर्ट में जाते हैं। अब लोकल कोर्ट में हम गए, हम दोनों गए, वहां पे हमने हमारे जो जज थे उनको हमारा पूरा मैटर सुनाया, हमारी बातें बताई, अब जज ने क्या किया मेरे फेवर में, क्या ये दे दी, सुनवाई दे दी, मतलब डिसीजन था वो मेरे फेवर में दे दिया, क्लियर हो गया। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं ये गलत हुआ है, अब आप क्या कर सकते हो, आप रिकंसिडरेशन के लिए वापस से अपना जो सुनवाई है वो क्या करवा सकते हो, हाई कोर्ट में करवा सकते हो। अब हाई कोर्ट ने आपके फेवर में दे दिया, अब मुझे लग रहा है नहीं गलत हुआ है, तो मैं अब अपना कोर्ट अपना केस कहाँ लेके जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई देगी वो माननी पड़ेगी, उसके बाद हमारे पास कोई भी चारा रहता नहीं है, यह चीज क्लियर होगी। तो इस तरीके से पूरा जो जुडिशियल का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म वर्क करता है, काम करता है, चीजें परफॉर्म होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी, उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे हम आपके लिए कर सके, आपके अपने क्या ग्रेट टूल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।